friends, my name is Aditya and my name is Rishabh. Welcome to the Car Guide channel. And आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट कार, the all new Skoda Slavia का delivery experience share करने वाला हूँ। आज मैं चीजें नहीं बताऊँगा, आज आदित्य भाई बताने वाले अपने बारे में। Yes, and इसमें we will cover how was my test drive, क्या-क्या financing options हैं, which all features I like, which all features I dislike, and सारी चीजें आज हम detail में discuss करने वाले हैं। पूरा delivery experience A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। So Aditya, सबसे important thing, tell me about yourself. So I'm a management consultant. मैं गुड़गांव में based हूँ. उसके पहले मैं बैंगलोर में था. And मेरा काम है startups and MNCs को advisory देना, अपना business कैसे बढ़ाना है internationally या India में. And उसके पहले I have been in IIT Kharagpur and I am Kozhikode with my MBA. Okay. And what about your vehicle? देखो हमें पता है Slavia ले रहे हो, लेकिन कौन सा model, transmission, engine, कौन सा बताएं सर? So mine is an automatic one. So मुझे automatic पसंद है because चलाने में थोड़ा easy रहता है. Yeah. And it is a 1 liter क्योंकि okay. 1 liter ट्रैफिक फ्रेंडली है, माइलेज अच्छा है, कॉस्ट उतना ज़्यादा कंपेयर टू 1.5 नहीं है, एंड इट इज़ अ कार्बन स्टील कलर. ओके, सो बिकॉज मुझे ब्लैक कलर काफ़ी पसंद है, आपको मेरे को देख के लग रहा होगा कि ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर. सो येस, कार्बन स्टील 1 liter ऑटोमेटिक एंड इट्स अ स्टाइल वेरिएंट. ओके, विच हैज़ लाइक सम वेरी नाइस एक्सटीरियर लुक्स इन टर्म्स ऑफ LED या फिर सनरूफ एट्सेट्रा. सो ओके, नाउ टेल मी अबाउट योर Skoda Slavia. उसके एक कोई बहुत बेहतरीन बेस्ट चीज़. ओके, दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन. आई वुड बी ऑनेस्ट. सो मैं एक ना छोड़ के 3 बताऊंगा. ठीक है. सो पहला इज़ द डिज़ाइन. डिज़ाइन इज़ अ वेरी क्लासिक टाइमलेस यूरोपियन डिज़ाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसकी, स्पेशली दिस फ्रंट ग्रिल और दिस DRL. एंड सेकेंड थिंग इज़ द इंटीरियर. सो इंटीरियर में आप बैठो तो यू हैव अ वेरी गुड बैक, यू नो, लेग रूम, एंड फ्रंट में यू फील लाइक यू आर इन अ कॉकपिट एंड इन अ प्रॉपर जर्मन कार यू आर ड्राइविंग. And third is the engine because it's a European engine. And when I was doing a test drive, तो काफ़ी pickup बहुत ज़्यादा तेज़ था. You know, मैंने overtake भी करी थी कुछ गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव में भी, एंड बहुत ईजिली ओवरटेक हुआ था. एंड स्पेशली द पैडल शिफ्टर्स आपकी लाइफ बहुत ईजी कर देती है. ट्रू ट्रू. सो मुझे इसका इंजन बहुत प्यारा लगता है. और वैसे भी अगर देखा जाए रिलायबल भी बहुत है Skoda के इंजन, तो ये भी एक आगे प्लस पॉइंट आपके लिए ऐड हो. यस यस, आई होप इंडिया 2.0 में ये प्रूव करे इसको एंड देन अपने कस्टमर को. चलो, मेरे कुछ और सवाल हैं, आप बैठते हैं फिर आपसे पूछता हूँ. चलिए. एंड अभी आप गुड़गांव में, तो व्हाट मेड यू थिंक यार मुझे गाड़ी लेनी है? सो जब मैं बैंगलोर से गुड़गांव में आया तो सबसे बड़ा चेंज पहला तो वेदर था बिकॉज बैंगलोर का वेदर बहुत ही ज़्यादा कूल है एंड कम्पेयर टू गुड़गांव. बट द सेकेंड मेजर चेंज वॉज रोड्स. बैंगलोर के रोड्स कम्पेयर टू गुड़गांव वेर नॉट दैट गुड. एंड गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड विड्थ एंड व्हाट यू कैन से द ट्रैफिक, सो ऑल दोज थिंग्स काफ़ी अच्छे थे गुड़गांव के कम्पेयर टू बैंगलोर. नहीं तो यूजुअली गुड़गांव के ट्रैफिक को लोग गालियाँ देते, बट इन्होंने बैंगलोर का नहीं देखा. एग्जैक्टली. सो मैंने सोचा कि यू नो, गिवन दिस कंडीशन आई शुड गेट अ कार. एंड बैंगलोर में भी मुझे मन था एक अपनी फर्स्ट कार लेने की, बट गुड़गांव ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा उन्हें एक गाड़ी के लिए. एंड वॉट मेड यू, यू नो, चूज Skoda? मतलब सिर्फ ब्रांड वाइज, अगर हम Slavia की चलो बात में करते, Skoda के साथ कैसे आपका मन बना? सो Skoda बींग अ यूरोपियन ब्रांड एंड चेक कंपनी है, एंड उसके हुड में there are other companies also like Volkswagen, BMW, Lamborghini, so many other companies. So that is a brand statement that Skoda carries. Okay. And apart from that, if I compare it with, let's say, companies like Hyundai or Maruti Suzuki, these have been in the Indian industry for quite some time. But again, there are कहीं पे किसी के कुछ खामियां हैं. जैसे design wise, let's say मुझे Hyundai उतनी पसंद नहीं है, या Maruti Suzuki काफ़ी old हो चुकी है. तो Skoda brings a very new experience, especially with the India 2.0 project, वो इंडिया के लिए सेंट्रिक कार्स लेके आए. यस. सो अभी मारुति जो नोन विच वॉज बींग नोन फॉर देयर सर्विस सेंटर्स एट्सेट्रा, तो अभी Skoda में भी एज यू आर सेइंग 2.0 प्रोजेक्ट में दे हैव डन क्वाइट एक्सेप्शनली वेल. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स दे हैव. तो मैंने सोचा ओके, इस बार Skoda पे भरोसा करते हैं एंड लेट्स सी. डिज़ाइन तो उनकी काफ़ी अच्छी है, ब्रांड अच्छी है ही. So yeah, it's a very reliable brand for sure. And Hyundai की मुझे एक चीज़ और नहीं पसंद है कि वो मॉडल्स को बहुत ज़्यादा रिनोवेट कर देते हैं in every year. तो जैसे if you see वरना 5 साल पहले जैसी थी और अभी जैसी है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस एंड अभी फेसलिफ्ट वरना आने वाली है वो काफ़ी अलग है। तो स्कोडा हैज़ अ टाइमलेस डिज़ाइन, तो वो मुझे पसंद आती है स्कोडा। नाउ लेट्स कम टू द कार कि स्लाविया पे कैसे आपका मन आया? ओके सो जैसी पर्सनैलिटी मैं कैरी करता हूँ एंड जिस तरीके का सोशल लाइफ मेरा है, आई फील कि मुझे एक सिडान ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू एक एसयूवी। ओके एंड एसयूवी काफ़ी मार्केट में है, आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे एसयूवी दिखेगा आपको। बट सिडान का पहले सिडान काफ़ी बिकती थी, बट अभी धीरे धीरे मार्केट कम हो गया। सो मुझे एक टाइमलेस एसेंस एंड एक क्लासी डिज़ाइन लगता है सेडान का। सो मेरे को हमेशा ही सही मैं सेडान की तरफ इंक्लाइंड हुआ करता हूं। मोरओवर हो सकता है कुशाक और अभी विट्रस भी जो आ रही है लोगों को पसंद आ रही है, तो आई बिलीव कि शायद सेडान का वो दौर वापस आ जाए। आई होप ऐसा हो। तो बीइंग अ सेडान लवर मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, बट देन अब सेडान में मैं आ गया, एसयूवी नहीं लेना है, सेडान लेनी है। हैचबैक भी मुझे बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी, तो मैं सोचा सेडान में चलते हैं। सेडान में बहुत सारे ऑप्शंस थे, यू नो आपके सियाज हो गई, वरना हो गई, देन और एक सेगमेंट नीचे जाते हैं तो अमेज है, देन ह्यूंडई की एक और गाड़ी है औरा, औरा यस औरा इज देयर। सो ऐसे काफ़ी गाड़ियाँ हैं। देन मुझे लगा कि ओके इसमें से अब हाउ टू चूज स्लाविया, स्लाविया में कैसे आते हैं। तो वरना का मुझे डिज़ाइन अगेन काफ़ी राउंडेड कर्वी टाइप था डिज़ाइन एंड कंपेयर टू स्लाविया इट इज़ वेरी एजी। तो मुझे थोड़ा एजी शार्प एजेस एंड क्रीजेस बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स वाली फील आती है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि ये BMW टाइप भी दिखती है फ्रंट से। सो मैंने सोचा कि ओके ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। देन स्कोडा का अभी जो उनका केयर पैकेजेस है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए वो 2.0 पे काफ़ी मेहनत बिल्कुल कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। डिज़ाइन इज़ वेरी टाइमलेस एंड स्कोडा के अंदर अगर आप बैठते हो ना तो यू फील लाइक यू आर इन अ यूरोपियन चैसी एंड दैट सिक्योरिटी, दैट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज़ देयर। सो मैंने सोचा ओके लेट्स दिस टाइम गो विथ स्लाविया एंड स्लाविया न्यू भी लॉन्च हुई थी। सो मुझे कार परचेज करने का मन भी जनवरी फरवरी में ही किया एंड जैसे ही आई वॉज विशिंग कि यू नो विच कार शुड आई टेक, स्कोडा ड्रॉप्ड स्लाविया। सो मैंने सोचा कि लिए बनी है ये, हाँ ये दिस इज़ द राइट मोमेंट। एंड व्हाट अबाउट लाइक आपने ऑब्वियसली बहुत सारे रिव्यूज़ ऑनलाइन, वेबसाइट्स, लिंक्स, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या देखा होगा। मुझे जेन्युइनली बताओ कि किसकी वीडियोस देखी और किसकी वीडियोस अच्छी लगी। ओके मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन आंसर दूंगा। यस सो पहले तो मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, यू नो काफ़ी, बिकॉज जब मैं कार रिसर्च स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विथ ऑटो इंडिया and then Auto Car India if you want me to name them, so yeah please name them. So there's this lady called Renuka Kripalani, yes Auto Car India, and then there's this one guy auto motor octane is Rachit bhai. So ye log काफ़ी मुझे reliable reviews लगते हैं, ज़्यादा यू नो वो बिल्कुल genuine बातें बताते, pros cons सारे कुछ। एंड जब मैं वो ही रिसर्च कर रहा था देन मेरे को आपका चैनल का भी आया था यू नो रिकमेंडेशन, तो आई फॉलोड योर चैनल एज वेल एंड द कॉन्टेंट वॉज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, यू नो निट पिकिंग एंड यू नो वेरी स्मॉल डिटेल में जाके कार का कंपेरिजन करना। सो इन लोगों का रिव्यूज़ मैंने देखा। गोवा में एक इवेंट हुआ था स्लाविया का, सो सारे ऑटो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे, काफ़ी डिटेल में ड्राइव रिव्यू, एक्सटर्नल वॉक अराउंड सब कुछ करा था, तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया। ओके एंड मुझे कार वर्ल्ड में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया जो कि पहले नहीं था। ओके नाइस। अब बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि आपको बाइंग एक्सपीरियंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इस सब में किस तरह का एक्सपीरियंस और जर्नी रही, वो भी बताएं मुझे। अब जब मुझे स्लाविया लेनी है तो फिर अब मुझे कहाँ से क्या करूँ मैं, तो मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन था बिकॉज मेरी पहली कार है ये, तो कौन सी डीलर अच्छी है, डीलर में कहीं चीटिंग या ये सब तो नहीं होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग किस तरीके का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी। सो वो सारी चीज़ें मेरे को काफ़ी हॉन्ट कर रही थी कि यार, एंड आई वॉज वेरी यू नो क्यूरियस अबाउट इट। तो आई नैरो डाउन टू दिस रिंग रोड स्कोडा जो मेरे घर से काफ़ी पास में भी था। तो मैंने सोचा कि यहाँ चलते हैं एंड एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सो टेस्ट ड्राइव भी सिंस आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया एंड उसने टेस्ट ड्राइव किया मेरे बदले। ओके एंड देन ही टोल्ड मी दैट ओके यू नो कार ऐसी है, अच्छी है, चलाने लायक है, दिस दैट। तो मैंने बोला इट वाज द फर्स्ट कार, तो भी कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज मुझे लगा मैं कहीं ठोक ना दूँ टेस्ट ड्राइव। फिर मैंने खुद से भी टेस्ट ड्राइव करी बिकॉज ये ऑटोमेटिक कार है तो काफ़ी ईजी रहता है चलाना एंड पहले मुझे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था, तो मैंने फिर खुद से भी टेस्ट ड्राइव करी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी। लाइक पिकअप हो या आपकी मूवमेंट, रोड में जो मूवमेंट होती है, इंजन साउंड्स है, सारी कुछ काफ़ी बटर स्मूथ लगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है टेस्ट ड्राइव पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट था वो तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, पास हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि यू नो बुकिंग अमाउंट दे के एंड देन फिर आपको फाइनल वेटिंग पीरियड का आप वेट करो। तो टेस्ट ड्राइव के बाद मैं घर गया, मैंने अपने सारे दोस्तों से थोड़ा डिस्कस किया जो कार फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। आपसे भी मैंने आई थिंक टेक्स्ट पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था। सो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ दैट ओके ठीक है लेट्स बुक इट। सो बुकिंग अमाउंट हमने दी एंड कार बुक एंड वेटिंग पीरियड स्टार्टेड। एंड वहाँ पे भी जो यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर जो भी जनरल मैनेजर हैं शोरूम के, दे ऑल वेर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने कार के बारे में मुझे बताया कि अभी इंजन कहाँ से आ रहा है एंड पोस्ट सेल सर्विसेज कैसी है एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पता कि चेंज हुई हैं इस गाड़ी के साथ। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। कुशाक और इस पर स्लाविया में इनके वर्किंग, इनके सर्विसिंग, उनका बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो वो कस्टमर तक क्या सही पहुँचा, यू कैन यू नो बी अ बेटर जज है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में मैंने काफ़ी बैंक का काफ़ी एनालिसिस करा। मेरे डैड खुद एक बैंकर हैं तो काफ़ी ज़्यादा यू नो उसमें मैंने इनको बहुत परेशान करा। और मनीष जी यहाँ पे एक यू नो सेल्स के मैनेजर हैं एंड उन्होंने मेरे को हर तरीके से हेल्प करा कि फाइनेंसिंग से लेकर के बुकिंग, जल्दी कार चाहिए तो वो सारी चीज़ें सारे में उन्होंने फुल ऑन 100 आई विल गिव हिम। चलो दैट्स ग्रेट। एंड देन उसके बाद फाइनेंसिंग के बाद यू नो आई जस्ट सेलेक्टेड एंड देन बुकिंग पीरियड का वेट एंड देन कितना वेट करना पड़ा आपको? सो मैं, दिस इज़ अ सरप्राइजिंग फैक्ट, अभी स्लाविया का अगर आप अभी लेने जाते हो तो वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट जब मैंने लिया था विदिन 1 मंथ डिलीवरी हो गई। चलो दैट्स, सो यहाँ पे उस वे में सर्विसिंग अच्छी है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर एरिया से और अपनी गाड़ी का डिलीवरी एक्सपीरियंस या ओनर्स रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कर दें। और गाड़ी क्यों नहीं, टू व्हीलर का भी करवाना तो करवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर मैसेज या कॉल जरूर कर लें, मैं आऊँगा आपके पास, प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे, चैनल के ऊपर अपलोड भी करेंगे। तो ये था हमारी तरफ से द स्कोडा स्लाविया का डिटेल डिलीवरी एक्सपीरियंस। एक एक चीज़ को कवर किया है हमने। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आई विल रिक्वेस्ट आदित्य कि उनके रिप्लाई, आपको जो नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके रिप्लाई ये खुद करें। जितने आपके क्वेश्चन है सबके के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द Skoda Slavia डिलीवरी एक्सपीरियंस। कांग्रेचुलेशंस आदित्य, आई होप ये गाड़ी आपको और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाए और जल्द ही इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली जाए और हम और वीडियोस बनाए। बिल्कुल। सो दिस वाज एवरीथिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।